सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। तो गाइस, आज है हमारी ट्रिप का डे नंबर 2। रात को हम आकर गए थे सो, क्योंकि गए थे बहुत थक। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है हमारा मेन इवेंट जिसके लिए हम मुंबई आए हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद निकलते हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के लिए, जहाँ पर आज का हमारा इवेंट है। गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे सीधा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के बाहर। तब तक हम चेकआउट करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आज के इवेंट में किस तरह के सेशंस हैं और कौन कौन से स्टार्टअप से हम मिलते हैं। तो चलिए, बने रहिएगा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस, कर रहे हैं चेकआउट, तो रूम को बोलते हैं बाय और चलते हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की और इवेंट की तरफ। तो मिलते हैं जियो सेंटर सीधा। तो गाइस, पहुंच चुके हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर है इवेंट। तो चलिए चलकर देखते हैं कि किस तरह से इवेंट प्लान्ड है और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं बॉल रूम। तो गाइस, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से स्टार्टअप्स आए हुए हैं। तो ये स्पॉन्सर्स एंड एग्जीबिटर्स फॉर टुडे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो चलिए चलते हैं मेन हॉल में, देखते हैं किस तरह से है इवेंट। तो गाइस, अभी मेन हॉल में एंटर हो चुके हैं, तो एक बार मेन हॉल के दर्शन कराते हैं। तो ये है गाइस मेन हॉल, जहां पर इवेंट हो रहा है। दिस इज़ द मेन एरिया स्टार्टअप्स वे 23 इज हैपनिंग। द नेम ऑफ दिस हॉल इज़ स्टार्टअप मंथन 4.0। गाइज, दिस इज द मेन स्टेज वेयर इवेंट विल बी हैपनिंग। So here Institute of Chartered Accountants of India's history is displayed here. So guys, अभी हो चुका है लंच ब्रेक और अब हम करेंगे कुछ स्टार्टअप से बात भी। तो चलते हैं बाहर स्टार्टअप शोकेस। So guys, this is the dining area where we'll be having our breakfast, lunch and high tea. तो हेलो गाइस, यहाँ पर है स्टार्टअप वेयर रोबोट, इस पर हम अपनी फ़ोटो क्लिक कर कर ईमेल पर मंगवा सकते हैं। चलिए इसे ट्राई करते हैं। प्लीज अलाइन योरसेल्फ इन द फ्रेम। प्लीज एंटर योर ईमेल एड टू रिसीव द स्टार्टअप स्फीयर फोटो मोमेंट। यहाँ पर दोस्तों सारे स्टार्टअप्स के स्टॉल डिस्प्लेड हैं, चलिए देखते हैं। तो हियर इज अ स्टार्टअप स्काई राइडर, सो लेट्स नो फ्रॉम हिज फाउंडर व्हाट स्काई राइडर इज डूइंग। सो व्हाट इज योर स्टार्टअप सर? या हाय, सो दिस इज स्काई राइडर इंस्टीट्यूट सर। रिसेंटली वी ब्रांडेड इट एज स्काई स्किल एकेडमी।
So we are an upskilling and edtech platform where we focus on the skill development of youth, and we deal with the working professionals who wants to change their field into different sectors. And graduates who don't have a job, we are the platform where we offer them the placement guarantee. Even we have another platform which works on portfolio development for higher studies. So जो बच्चे होते हैं ना जो लाखों खर्चा करके कंसल्टेंसी पे जाते हैं वे कम्प्लीटली उनका कोई रोल ही नहीं है हमारे पास आके स्किल डेवलपमेंट करेंगे ओवरऑल पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होगा एंड दे विल गेट अ टॉप 30 मोस्ट गारंटेड सो दैट इज वी आर ब्रिंगिंग विद अ सेपरेट नेम एक्चुअली ऑलरेडी वी हैव 20 प्लस स्टूडेंट्स वर इन द टॉप 30 मोस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर डूइंग द कोर्सेस फ्रॉम अस देयर इज अ स्टार्टअप सब यशा लेट्स नो फ्रॉम इट्स फाउंडर व्हाट सब यशा इज डूइंग Hello, hi, I am Shashank, founder and CEO of Sabyasa Retail Tech. We are working with the Indian artisans, making them capable to tap into the $752 billion global market through technology. So we have built a platform exclusively with the ONDC framework to help artisans go to market online as well as offline. Thank you. All the best, sir. So here we have a young chartered accountant, CA Prashant. So what is your startup, CA Prashant? So we basically take over the accounting and finance functions of various companies, manage it in-house and give the reports back to the business owners for decision making. So we take over everything like your data entry, your GST, TDS, all your statutory compliances, okay. And also give you reports that you can actually take your business decisions. Nice to see that young CAs are also coming in the startup ecosystem. All the best. Thank you so much. Thank you. So guys, here is a startup, Suvedh. So let's know from its founder what startup is doing. Hello sir. Hi. So sir, what your startup is doing? We are doing complete financing automation for chartered accountant and tax practitioner. Raw data to GST returns तक का पूरा tool है जहाँ पे कोई भी chartered accountant उसके खुद के practice में tax practice manage कर सकता है, automate कर सकता है और PDF से जो भी data मिल रहा है उसको automatically उसके accounting software में import कर सकता है. Very nice. Thank you. Here is an budding entrepreneur with us. Yeah. So sir, आपका क्या product है, आपने क्या display किया हुआ है? So हम लोग Ahmedabad based company, हमारी company का नाम है Communities Heritage Private Limited. जी. And we expertise in building platforms for community management and engagement. Okay. If I say the first product which we have is for managing companies, SME, MSME और corporate. किसी भी टीम को मैनेज करने के लिए 10 लोग हो चाहे 10 लाख लोग हो वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर देम इट्स कॉल्ड माइको द सेकंड प्लेटफॉर्म विच वी हैव इज माय एसोसिएशन वी अगेन हैव अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगेजिंग एंड मैनेजिंग द एसोसिएशन मेंबर्स थ्रू अवर प्लेटफॉर्म एंड द थर्ड प्रोडक्ट विच वी हैव इज स्मार्ट सोसाइटी जिसमें हम लोग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में रहने वाले लोगों को बहुत ईज ऑफ एक्सेस देते हैं जहाँ पे वो डेली एक्टिविटीज अपनी हमारी ऐप के थ्रू यू नो मैनेज करते हैं नाइस प्रोडक्ट सर थैंक यू सो गाइस अभी डे वन का इवेंट हो चुका है खत्म इवेंट काफ़ी अच्छा रहा काफ़ी नए नए स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ भी हमने बात करी और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी चर्चा भी हुई तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल हमें जाना है जुहू रमाडा जहाँ हम अभी चेक इन करेंगे तो आपको उसके बाद मिलते हैं चेक इन करते हुए अभी कैब करते हैं और चलते हैं होटल तो गाइस अभी आ चुके हैं होटल के अंदर और हमारा होटल का नाम है रमाडा प्लाजा जो कि है जुहू बीच पे तो वे आपको बीच पे दिखाएंगे अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने और फिलहाल हमने चेक इन कर लिया आके आपको दिखाते हैं रूम अभी तक कुछ खा के आते हैं तो गाइस ये है हमारे होटल का फ्रंट व्यू गाइस ये है जुहू बीच गाइस आ चुके हैं खाना खाकर तो आपको दिया जाएगा होटल टूर इसलिए देखते हैं होटल कैसा है ये एंट्रेंस है होटल का एंड रिसेप्शन एरिया है
रिसेप्शन लॉबी है गाइस ये। सामने है डाइनिंग एरिया जहाँ सुबह होगा ब्रेकफास्ट, और इधर है लिफ्ट जिधर से हम जाएंगे अपने फ्लोर पर। गाइस आ चुके हैं अपने फाइनली रूम में, ये है हमारा रूम, यहाँ पर है बेड, बाकी हैं दो सोफ़ा, एक टीवी, मिरर, यहाँ पर है मिनी बार, देखते हैं मिनी बार में क्या है, मिनी बार फिलहाल है खाली। बाकी ये कुछ चाय कॉफ़ी का सामान है, ये इतना है बस, ये रूम है, ये वॉशरूम एरिया है। इधर है बाथ एरिया, तो यही है। अब लगे हैं सोने, मिलेंगे कल इवेंट के डेट ऊपर। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।